लिवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है, ये अकेला ऐसा ऑर्गन है कि जो अपने आप को रीजनरेट करने की पावर रखता है। ये एक मल्टीटास्कर की तरह बॉडी में काम करता है। अगर आपका लिवर काम नहीं कर रहा है तो फिर इसका मतलब आपकी स्किन एजिंग होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे सनलाइट डिम होती जाएगी, शाम होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे लिवर की वर्किंग स्लो होती जाएगी। लिवर ट्रांसप्लांट की जब स्टेज आती है उससे पहले लिवर को बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये अकेला ऐसा ऑर्गन है कि जो अपने आप को रीजनरेट करने की पावर रखता है। लीवर अपने आप को ठीक कर लेता है, फिर हमें मेडिसिन क्यों लेनी पड़ती है? लीवर के खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण मेडिकेशन ही है, लेकिन हम उसको ठीक करने के लिए हम मेडिकेशन ही लिए जा रहे हैं। तो ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग पतले हैं उनके भी लीवर में फैट है, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि लीवर, जिनकी वजह से लीवर डैमेज होता है। लीवर की बीमारी कितने दिनों में या कब तक ठीक हो सकती है? यदि आप डे बाय डे बेटर हो रहे हैं तो एक ना एक दिन आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। आपको कोई क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं चाहिए। नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए, आप डे बाय डे बेटर होते जाएंगे और विद इन वन वीक आपके अंदर काफी परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। आप अक्सर डेयरी प्रोडक्ट्स को लेने को मना करते हो, तो ऐसा क्यों है? सबसे पहले जो आजकल की दुनिया के अंदर हमें दूध मिलता है वो दूध ही नहीं है। नारियल पानी को लीवर के लिए वरदान माना जाता है, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल ठीक है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं भी बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं दिल्ली नेचुरल लाइफस्टाइल सेंटर में। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर मोहन गुप्ता जी और मिसेस पूजा बंसल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल में। थैंक यू विभोर जी फॉर हैविंग वी आर हियर। लीवर की कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? देखिए विभोर जी, ये जानने से पहले कि लीवर की बीमारियाँ कौन कौन सी हैं, हम अपने व्यूअर्स से ये जानना चाहते हैं कि क्या आप ये जानते हैं कि हमारा लिवर है कहाँ? ज़्यादातर हम सब अपने बाकी ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं, हमारे लंग्स कहाँ हैं, हमारा हार्ट कहाँ है, हमें पता है। लेकिन लिवर जो बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट है, इंटरनल लार्जेस्ट पार्ट है, वो कहाँ पर है वो हमें पता ही नहीं। तो हमारा जो लिवर है हमारे एब्डोमेन के राइट साइड पर हमारे रिब्स के नीचे यहाँ रहता है, हमारा लिवर यहाँ होता है। ये हमारे सारे व्यूअर्स को क्लियर होना चाहिए। इसको लिवर को हम जिगर भी कहते हैं और यकृत भी कहते हैं। तो कई बार हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लगता है कि लिवर कुछ और है, जिगर कुछ और है। तो लिवर को ही हिंदी में जिगर भी कहा जाता है, और इसीलिए पहले के समय में लिवर इतना इम्पोर्टेंट था कि अगर हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, आज भी हम बोलते हैं अपने बच्चे के लिए हमारा जिगर का टुकड़ा, क्योंकि लिवर इतना इम्पोर्टेंट है। तो जिगर इतना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को भी प्यार से ऐसा बोलते हैं कि जिगर का टुकड़ा। तो लिवर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। लिवर की काफ़ी सारी डिजीज़ है, जो मोस्ट कॉमन है वो है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, जिसमें जो इंडिया में मोस्ट कॉमन है वो हेपेटाइटिस बी है, जो कि ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि इन्फेक्टेड इंजेक्शंस की वजह से हो जाती है। यूज्ड नीडल्स अगर किसी को यूज़ की जाए तो हेपेटाइटिस बी हो जाती है, और सेक्सुअल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाती है कि अगर आपके एक पार्टनर, किसी एक पार्टनर को हेपेटाइटिस बी है तो उसके पार्टनर को उससे ट्रांसमिट होकर हेपेटाइटिस बी हो सकता है। ये एक पहला कॉमन डिजीज़ है लिवर का। और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये अल्कोहल लेने की वजह से नहीं होता, बल्कि एक्सेसिव फैट की वजह से हो जाता है। डायबिटीज़ होने की वजह से, लंबी देर तक जब शुगर रहती है, डायबिटीज़ रहती है और उसका मेडिकेशन किया जाता है, तो उसकी वजह से हो जाता है। और बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाने की वजह से भी ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ आता है। ये एक दूसरा डिजीज़ है लिवर का। और लिवर का तीसरा डिजीज़ है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, ALD। तो जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, डेली ड्रिंक करते हैं, तो उनको ये अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ आता है। तो नंबर चार है लिवर सिरोसिस। जब काफ़ी देर तक लिवर, पहले ग्रेड वन आता है, फिर ग्रेड टू आता है, फिर ग्रेड थ्री आता है, मतलब जब उनको क्योर करने का तरीका हमारा ऐसा होता है कि हम मेडिसिन खाते रहते हैं लेकिन लाइफस्टाइल कुछ ठीक होता नहीं है, तो ये स्टेजेस आगे बढ़ती जाती हैं लिवर, फैटी लिवर होने की।
फिर धीरे धीरे लिवर फिब्रोसिस होता है, लिवर सिरोसिस होता है. तो लिवर सिरोसिस इज द अदर वेरी सीरियस डिजीज ऑफ लिवर. एंड द लास्ट एंड फाइनल इज लिवर कैंसर. तो ये सारी लिवर की डिजीज हैं जो एसोसिएटेड है. ऐसे तो बहुत सारी हैं पर ये मैंने कुछ आपको कॉमन बताई. अगर किसी को लीवर की डिजीज हो गई हो तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? लीवर डिजीज होने की वजह से लोगों को, कुछ लोगों को जॉन्डिस हो जाता है. तो जॉन्डिस यानी पीलिया, यानी कि बॉडी का जो ब्लड है वो ब्लड बहुत कम हो जाता है, बॉडी पेल हो जाती है, पीली दिखने लग जाती है, आंखों में पीलापन आ जाता है, नेल्स में पीलापन आ जाता है, यूरिन एक्सेसिव पीला हो जाता है, इसके अलावा डाइजेशन वीक हो जाता है, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, भूख नहीं लगती, एपेटाइट लूज हो जा लॉस एपेटाइट लॉस हो जाता है, भूख नहीं लगती, मसल्स लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट रिडक्शन हो जाता है, तो वीकनेस रहती है, टायर्डनेस रहती है, और समटाइम्स लोगों को पैरों के पास, टखनों के पास स्वेलिंग हो जाती है जिसको एडिमा बोलते हैं. तो ये सारे सिम्टम्स रहते हैं लिवर डिजीज होने के, मतलब ये शुरुआती लक्षण है जो दिखाई देते हैं. तो इससे जज किया जा सकता है. स्किन में इचिंग हो जाती है, ईचिंग रहनी शुरू हो जाती है. तो स्किन डिजीज का पहला जो सिम्टम है वो ये है, मतलब अगर आपका लिवर काम नहीं कर रहा है तो फिर इसका मतलब आपकी स्किन में ईचिंग होनी शुरू हो जाती है. लीवर ट्रांसप्लांट कौन सी स्टेज में बताया जाता है और क्या लीवर ट्रांसप्लांट से बचा भी जा सकता है? देखिए विभोर जी, लीवर ट्रांसप्लांट की जब स्टेज आती है उससे पहले लीवर को बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है. अब सबसे पहले बंदा टेस्ट कराता है, यंग एज में क्या दिखता है, फैटी लीवर ग्रेड वन, फिर ग्रेड टू, फिर ग्रेड थ्री, फिर ग्रेड फोर. अब जिस 1, 2, 3, 4 तक भी अगर व्यक्ति उसको रिवर्स करना चाहे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर ले, नेचुरोपैथी को फॉलो कर ले, तो काफ़ी चांसेज हैं. अपने 25 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि लोग बाहर आ जाते हैं लीवर ट्रांसप्लांट से, ज़रूरत नहीं पड़ती. एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि या तो लीवर सिरोसिस हो जाएगा, या लीवर कैंसर हो जाएगा, या एसाइटस हो जाएगा. एसाइटस क्या है कि पेट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, तो उसको भी एक बार, दो बार, तीन चार बार निकलवाते रहते हैं. तो ऐसी किसी भी कंडीशन में आने पर लाइफस्टाइल में चेंज करने से भी, नेचुरोपैथी को फॉलो करने से भी देखा जाता है कि ज़्यादातर केसेस को हेल्प हो नहीं पाती. फिर भी अगर उसकी जनरल कंडीशन अच्छी हो, एज भी कम हो, तो शायद कुछ थोड़ा बहुत असर हम वर्क कर सकते हैं. लेकिन ऐसी तीनों अवस्थाओं में लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है. लीवर अपने आप को ठीक कर लेता है, फिर हमें मेडिसिन क्यों लेनी पड़ती है लीवर ठीक करने के लिए? ये बात बिल्कुल सच है कि लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गेन है, ये अकेला ऐसा ऑर्गेन है कि जो अपने आप को रीजनरेट करने की पावर रखता है. ये अगर इसके लिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, और ये सच है कि अगर ये खराब होने लग जाए तो भी अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, दोबारा बना सकता है. लीवर हमारा, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गेन है. ये एक मल्टीटास्कर की तरह बॉडी में काम करता है. ये इतना अच्छा होने के बाद भी, इतना इम्पोर्टेंट होने के बाद भी आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि लीवर की दवाइयाँ हमें, लीवर को रीजनरेट, इसकी ये क्वालिटी होने के बाद भी हमें इसको वो करना पड़ता है, लीवर के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसके खराब होने का कारण है हम उसको दूर नहीं करते. अब इसके लिए हम, बल्कि हम उसको कॉन्टिन्यूसली खराब करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं. वो हम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि लीवर के खराब होने का कारण क्या है? ओबेसिटी है. लेकिन हम शायद उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, सिर्फ मेडिकेशन ले रहे हैं. लीवर के खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण मेडिकेशन ही है, लेकिन हम उसको ठीक करने के लिए हम मेडिकेशन ही लिए जा रहे हैं. छोटा मोटा बुखार हो गया तो हम एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं. और एक टाइम तो ऐसा आता है कि हम एंटीबायोटिक्स लेने के लिए डॉक्टर के पास भी नहीं जाते. अगर फीवर दोबारा हो गया तो जो पहले ली थी अपनी मर्जी से ही घर में वो लेना शुरू कर देते हैं. तो ये सारे कारण हैं. फैट का बॉडी में, इंटरनल फैट का बहुत ज़्यादा होना, अगर आपको ओबेसिटी नहीं है तो इट डजंट मीन कि आपकी बॉडी में अंदर फैट नहीं है. तो ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग पतले हैं उनके भी लीवर में फैट है. तो ये सबसे बड़ा कारण है कि लीवर, जिनकी वजह से लीवर डैमेज होता है. लेकिन जब हम लीवर को क्योर करने के लिए, हमें पता चलता है फैटी लीवर है, तो हम करते क्या है? हम लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, जबकि है तो लाइफस्टाइल डिजीज. हम लाइफस्टाइल को तो चेंज ही नहीं करते और हम उसकी मेडिकेशन शुरू कर देते हैं. एक प्रॉब्लम तो पहले ही था कि
कि वो पहले ही खराब है, अब मेडिकेशन से वो और खराब होना शुरू हो जाता है। तो पहला सबसे बड़ा कारण है कि हम उसके उसको जो हम खराब कर रहे थे उसको हम ठीक नहीं करते, बल्कि उसको दवाइयों से और खराब करना शुरू करते रहते हैं। इसीलिए हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। हम लिवर को हीलिंग का टाइम ही नहीं दे रहे। हमारी जो बॉडी है वो सेल्फ हीलिंग है। हमारा लिवर अपने आप को हील कब करेगा? जब उसको सेल्फ हीलिंग का टाइम मिलेगा। जैसे कि इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरी हड्डी टूट गई, हाथ की किसी की हड्डी टूट जाए, तो हमें क्या करना होगा? हमें उस हड्डी को आराम देना होगा, उसको प्लास्टर लगा के हम आराम देंगे ताकि वो हड्डी जुड़ जाए। तो जैसे हड्डी को आराम देने से हड्डी जुड़ जाती है, ऐसे लिवर को रेस्ट देने से लिवर जुड़ जाता है। कैसे? अब ये हड्डी मेरी टूट गई, मैंने एक तरफ तो इसको प्लास्टर लगाया, अब दूसरी तरफ कोई मुझे कहता है इससे बॉक्सिंग करो, क्या ये जुड़ सकती है? ये जुड़ ही नहीं सकती। ठीक ऐसे ही अब लिवर के क्या काम है? लिवर का काम है खाने को पचाने का, लिवर का काम है आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने का। वो कैसे होगा? अगर हम लिवर के काम को कम कर दें, यानी कि हम लिवर को ऐसा खाना दें, ऐसा काम दें जो इजी टू डाइजेस्ट है। हो क्या रहा है बाहर की दुनिया में? हो ये रहा है कि अगर आपका लिवर फैटी है तो आपको प्रोटीन्स दिए जा रहे हैं, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, बट विच इज़ वेरी हैवी टू डाइजेस्ट। लिवर उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो वो तो ऑलरेडी बीमार है और उसको और ज़्यादा मेहनत का काम दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम नेचुरोपैथी में ऐसी डाइट बताते हैं आपको जिसको पचाने के लिए शरीर की मेहनत कम से कम लगे, लिवर की मेहनत कम से कम लगे, तो फिर वो हील होना शुरू हो सकता है। तो कारण ये है कि हम लिवर को खराब करना बंद नहीं कर रहे, इसीलिए फिर हमें उसकी सपोर्ट लेनी पड़ती है। दूसरा, अगर स्टेज मतलब हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, लिवर इस लेवल तक डैमेज हो चुका है कि अब एकदम से तो कुछ नहीं हो सकता और परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, पेशेंट को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो भी फिर हमें मेडिकेशन का सपोर्ट लेना पड़ता है। लीवर की बीमारी कितने दिनों में या कब तक ठीक हो सकती है? देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा आपका इस तरीके का है भी ठीक से इसको आंसर करना मुश्किल भी है, क्योंकि अब जो बंदे ने हमें फॉलो करना शुरू किया उसकी एज कितनी है। अगर एज बच्चे की हड्डी टूट जाए तो जल्दी जुड़ती है, बड़ी उम्र में टूट जाए तो जुड़ने में समय अधिक लगता है। एज कितनी है, जो उसकी लीवर की तकलीफ है उसका ग्रेड क्या है, और फिर व्यक्ति जो हमें जिसने फॉलो करना शुरू किया उसका लाइफस्टाइल कैसा है और वो कितना अपने आप को बदलने को तैयार है। तो अगर मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन मतलब जो हेल्थ सीकर है, पेशेंट है, उसको इधर नहीं जाना चाहिए कि कितना समय लगेगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपको डे बाई डे आप बेटर हो रहे हैं, आप 3 दिन में फील कर रहे हैं कि पहले से मैं कुछ अच्छा फील कर रहा हूँ, 1 हफ्ते में और ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, 15 दिन में और अच्छा फील करते हैं, यदि आप डे बाई डे बेटर हो रहे हैं तो एक ना एक दिन आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। आपको कोई क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं चाहिए। अब आप कितने अच्छे से मेरी बात को मानेंगे, कितने अच्छे से फॉलो करेंगे और कितनी बीमारी बढ़ चुकी है, इन सारी चीज़ों से मिला के पता चलता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मैं कोई ऐसी डेडलाइन नहीं खींच सकता कि इतने समय में बंदा ठीक होगा। हाँ, ये मेरा प्रॉमिस है कि आप NLS को फॉलो कीजिए, नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए, आप डे बाय डे बेटर होते जाएंगे और विद इन 1 वीक आपके अंदर काफी परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे, और 1 महीने के बाद तो आप अपना LFT करवा लीजिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, आप रिपोर्ट ही बता देंगे कि आप ठीक हो रहे हैं। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं, हेल्थ इज द वे, देयर इज नो वे टू हेल्थ, मतलब सेहत एक रास्ता है, मंजिल नहीं। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पर पहुंच के हम रुक जाएंगे। तो अगर आप स्वस्थ हो गए फिर आप कहो चलो जी आपके लाइफस्टाइल को छोड़ देता हूं, मैं तो पहले वाला ही कुछ खाने लग जाता हूं। नो नो नो, हमने लाइफ टाइम स्वस्थ रहना है और इस जर्नी पे चलते रहना है, रुकना कभी नहीं। मैं भी 25 साल हो गए, मैं भी नहीं रुका और आखिरी श्वास तक नहीं रुकूंगा, और आपको भी नहीं रुकना यदि इस लाइफस्टाइल से आप बेनिफिट लेना चाहते हो। लाइफ टाइम स्वस्थ रहेंगे और कोई बीमारी नहीं होगी। लीवर तो क्या, आपका पूरा शरीर ठीक होने वाला है। लीवर को ठीक रखने के लिए डिटॉक्स करना पड़ता है, और लीवर को डिटॉक्स कैसे किया जा सकता है? जी देखिए, लीवर को डिटॉक्स करने से पहले, डिटॉक्स करने को समझने से पहले हम ये समझ लें कि लीवर करता क्या है। हमारे लीवर में ही बाइल का प्रोडक्शन होता है। जो भी हम हैवी फूड खाते हैं, हम दालें खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, उनकी डाइजेशन के लिए बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
बाइल के थ्रू ही वो सब चीजें डाइजेस्ट होती हैं, तो लिवर बाइल की प्रोडक्शन लिवर में होती है। दूसरा, जो हम प्रोटीन खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो काम भी लिवर ही करता है। जितने मिनरल्स हैं, विटामिंस हैं, लिवर उनका स्टोर हाउस है। तो हमारा जो लिवर है वो बॉडी, हमारी बॉडी का मल्टीटास्कर है। जैसे घर में मदर होती है ना, वो मल्टीटास्कर होती है, तो हमारा लिवर भी वही काम करता है। वो मल्टीटास्कर की तरह हमारी पूरी बॉडी को संभालता है, पूरे शरीर को संभालता है। तो ऑब्वियसली इसको हमें डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसको डिटॉक्स करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? अब ये खराब कैसे हुआ? भगवान ने तो हमें अच्छा खासा स्वस्थ लिवर दिया था, ये हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से खराब हुआ, यहाँ तक पहुँचा। तो इसको डिटॉक्स करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना होगा। हमें अपने खाने में से प्रोसेस्ड फूड को हटाना होगा। अगर एकदम से नहीं हटा सकते, हमारे व्यूअर्स डरे ना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। अगर हटा नहीं सकते, मिनिमाइज तो कर सकते हैं। आजकल हमारी लाइफ फास्ट हो गई है, हम फास्ट फूड की तरफ ही ज़्यादा भागते हैं, लेकिन हमारा लिवर फास्ट नहीं हुआ है, हमारा लिवर वैसा ही है जैसा आज से 100 साल पहले था। तो इसीलिए हमें फास्ट फूड, पैक्ड फूड, जंक फूड, कैंड फूड को अपने लाइफस्टाइल में से मिनिमाइज करना चाहिए। कहना तो मैं यही चाहती हूँ कि उसको हटाना चाहिए। नंबर टू, हमें छोटी छोटी बातों में दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना चाहिए। अब क्योंकि हम सब बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी लाइफ फास्ट है। थोड़ा सा सिरदर्द हुआ, पेन किलर ले लिया। हल्का सा फीवर हुआ तो हमने फिर फीवर के लिए दवाइयाँ खा ली, पैरासीटामोल ले ली, डोलो ले ली, और अगर 2-3 दिन फीवर चला तो एंटीबायोटिक्स ले लिए। तो इसकी जगह अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें तो हम इन छोटी छोटी बीमारियों को, बुखार को, जुकाम को और हेडेक जैसी चीज़ों को, जिनके लिए हम पेन किलर्स खाते हैं, हम बिना दवाई के बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में इसका, नेचर क्योर में इसका बहुत आराम से, मतलब विद इन 24 आवर्स हम इन बीमारियों में रिलीफ पा सकते हैं। तो हमें अब मेडिसिन का यूज़ मिनिमम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए लिवर को हील करने के लिए, लिवर को डिटॉक्स करने के लिए। तो हमें मेडिकेशन का यूज़ कम से कम करना। हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, तो लिवर फ्रेंडली फूड खाना चाहिए। ऐसा खाना जो जो लिवर को पसंद है वो खाना, हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा स्लीप टाइम, तो आजकल के लाइफस्टाइल में हम देख रहे हैं कि हम रात में जागते हैं, देर तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, हमारे लिवर की वर्किंग जो है वो वीक हो जाती है, क्योंकि हमारे जो लिवर की वर्किंग है वो सनलाइट से रिलेट करती है। जैसे जैसे सनलाइट डिम होती जाएगी, शाम होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे लिवर की वर्किंग स्लो होती जाएगी। तो हमारा जो खाना है, खाना हमारा सोने से 2-2.5 घंटे पहले हमें खाना चाहिए, और स्लीप हमारी टाइम से होनी चाहिए, 9-10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब हम कहते हैं आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या ये सारी बातें हमारे व्यूअर्स को नहीं पता? क्या मैं कोई नई बात बता रही हूँ आपको? ये बिल्कुल भी कोई नई बात नहीं है, ये हमें सबको मालूम है, लेकिन क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल में ही ऐसे उलझे हुए हैं, अगर हम रात को जल्दी सोते नहीं हैं तो हम सुबह जल्दी उठ नहीं सकते। तो हमें एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट बात कि जो एडिक्शंस हैं, जितने भी एडिक्टिव चीज़ें हैं, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, कॉफ़ी है जिसमें कैफीन बहुत ज़्यादा है, इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए अपने लिवर को डिटॉक्स करने के लिए जल्दी से जल्दी। कोई ड्रिंक भी है लिवर डिटॉक्स करने के लिए? लिवर डिटॉक्स करने के लिए ड्रिंक है पीठा जूस। हालांकि इसके ऊपर हम आगे जब आपके साथ इसकी दिनचर्या के ऊपर बात करेंगे तो हम आपको पूरा क्लियर इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पीठा जूस है जो हाईली अल्कलाइन है और लिवर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा है। नारियल पानी है जो कि बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, बहुत ही नेचुरल और अच्छा ड्रिंक है, वो लिवर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा। लिवर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? बहुत ही बहुत जरूरी हमारे दर्शकों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। तो लिवर स्वस्थ ही होता है और वो स्वस्थ रहना भी चाहता है। लिवर को हमने बिगाड़ने के लिए जो कारण है वो है अननेचुरल लाइफस्टाइल। अननेचुरल लाइफस्टाइल को यदि हम ठीक कर लें और नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो कर लें तो लिवर दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा और काम करने लग जाएगा।
कि लीवर को खराब होने के लिए बहुत सारी स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है, ये डे वन प्रोसेस नहीं है। तो पहले हम डायग्नोसिस कराते हैं तो क्या पता चलता है, फैटी लीवर ग्रेड वन, फिर ग्रेड टू, फिर ग्रेड थ्री, फिर ग्रेड फोर। इससे पहले कि किसी को लीवर सोरेसिस हो जाए, इससे पहले कि लीवर कैंसर हो जाए, इससे पहले असाइटस हो जाए, पेट में पानी भर जाए, तो व्यक्ति को कहीं तो जागना चाहिए। तो करना क्या है, लीवर खराब हुआ अनहेल्दी अननेचुरल लाइफस्टाइल की वजह से, अब हमने फॉलो करना है नेचुरल लाइफस्टाइल, स्विच टू हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या करेंगे, स्टेप वन, अपने दिन की शुरुआत लगभग 8 बजे के आसपास मैं एक बहुत ही आपको एल्कलाइन ड्रिंक देने वाला हूँ, पावरफुल, जो कि लीवर को बड़ी तेजी से ठीक कर देगा, बड़ी तेजी से रिवर्स कर देगा। वो है हमारे पास एश गार्ड जूस, सफेद पेठे का रस। सफेद पेठे का रस यदि कोई व्यक्ति कहता है कोई और बता दीजिए, ये मिलता नहीं, या कोई चेंज भी चाहिए, तो हमारे पास कुदरत का दिया हुआ वरदान है नारियल पानी, कोकोनट वाटर, रॉ कोकोनट वाटर, जिसको डाब बोलते हैं। और तीसरा, अगर इसमें भी कोई चैलेंज हो तो टेक एनी वेजिटेबल जूस, देसी टमाटर और धनिया पत्ता मिलाइए और उसके साथ किसी भी सब्जी का, मौसम की जो भी सब्जी है, घिया वगैरह, तो खीरा, उस सब्जी का जूस आप ले सकते हैं। तो 8 बजे के आसपास आपने शुरू कर लिया एक ड्रिंक के साथ, सिप सिप करके पिए, आराम से पिए। उसके बाद 2 घंटे बाद व्यक्ति को कुछ और लेने की इच्छा होती है, जिसको हम ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, तो फ्रेश फ्रूट लीजिए, मौसम का लीजिए, जो सबसे सस्ता होगा वो हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होगा। तो आप मौसम का कोई भी एक तरह का फल पेट भर खाएं, प्लेट भर खाएं, अच्छे से अपनी भूख अनुसार खा लीजिए। उसके बाद 2 घंटे बाद कच्चे सलाद, कच्चे सलाद के अंदर यदि गर्मियां हैं तो देसी खीरा, देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी, कद्दूकस करके, लगभग एक व्यक्ति के लिए इतनी डाल लीजिए। और यदि सर्दियां हैं तो मूली लीवर के लिए वरदान है, मूली, शलगम, गाजर, तो टमाटर तो हमारे पास डालना ही डालना होता है, नारियल की गिरी डलेगी ही डलेगी, तो आप इस तरीके से कच्चे सलाद। तो लंच और डिनर में आप अगर भूख लग रही है 2 टाइम तो 2 टाइम सब्जी रोटी ले सकते हैं, एनएलएस की सब्जी, एनएलएस की रोटी, यदि ज़्यादा भूख नहीं लगती तो 1 टाइम सब्जी रोटी ले लीजिए। अब ये हमारा खाने पीने का हो गया, लेकिन अब इतना लीवर को ठीक करना है, उसको रिवर्स करना है, तो हमें कुछ और बोल्ड स्टेप्स लेने कर पड़ेंगे ताकि तेजी से काम हो जाए। तो देखिए, लीवर एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पेट में ही है और पेट हमारे शरीर की जड़ है। अगर पेट को पूरे को हेल्दी करना है तो पानी कहाँ डालना होगा, पेट की जड़ में डालना होगा। तो पेट हमारी जड़ है, तो पेट की तरफ हम ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं एक वेट अबडोमिनल पैक। ये सूती कॉटन का कपड़ा है, जिसको हम कहते हैं कि आपने 2.5 मीटर ये लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है, इसको 4 तह करके अपने पेट के चारों ओर लपेट लीजिए, ताजे पानी में भिगो के निचोड़ के 1/2 घंटा लगा रहने दी। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर एक ठंडी गिल्ली पट्टी लगा ली हमने 1/2 घंटे के लिए, तो इधर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। इधर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाने की वजह से लीवर और अच्छे से काम करने लग जाएगा। तो इसको दिन में 2 बार कर लीजिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ज़्यादातर देखा जाता है कि लीवर खराब हुआ क्यों, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। डाइजेस्टिव सिस्टम जब क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि इनडाइजेशन है। इनडाइजेशन होता है कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिजीज। अब कब्ज को ठीक करने के लिए आप NLS नॉन वायलेंट एनीमिया की सहायता लें। ये इसको नॉन वायलेंट हम इसलिए कहते हैं कि इसकी आदत नहीं पड़ती, डरे मत, इसमें सादा पानी हम प्रयोग करते हैं, बहुत ही सिंपल है, तो इसको इस्तेमाल कर लीजिए। यदि आप इस तरीके से अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करते हैं, साथ साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, तो ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, लेकिन उसको भी नॉन वायलेंटली करना है,
जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना आप वॉक करिए, लगभग 20-25 मिनट आधा घंटा सफिशिएंट रहेगा। और क्या कर सकते हैं, प्राणायाम, एनएलएस नॉन वायलेंट प्राणायाम। तो यदि ये सारे हम थोड़ा सन बात कर लें, सूर्य की धूप, सुबह सुबह की कच्ची धूप शरीर के ऊपर कपड़े उतार के लगा लीजिए, ये सारे काम करिए और देखिए, फिर अपने जांच कराते रहें। हर महीने बाद एक बार आप LFT करवा के देखिए, तो आपके SGPT, SGOT और जो भी लीवर रिलेटेड पैरामीटर जो है वो सब में चेंज आनी शुरू हो जाएगी और आप देखते ही देखते रह जाएंगे कि आप तो ठीक होने शुरू हो गए। NLS रोटी, NLS सब्जी क्या है? NLS रोटी हम कंपोजिटर रोटी बनाते हैं, उसके अंदर हम ये सलाह देते हैं कि आप आटा चोकर सहित ले लीजिए, होल समनेस जैसे आपको पता ही है होना चाहिए, और उसके अंदर जितना आटा है उससे भी ज़्यादा नहीं, 50% तो कम से कम होनी चाहिए, मौसम की कोई कच्ची सब्जी डाल दीजिए, पत्तेदार सब्जी है जैसे कि पालक है, धनिया है, पुदीना है, चलाई है, जब जब मौसम में जो जो आती हैं, नहीं तो खीरे को कद्दूकस करके डाल लीजिए, ग्रेट करके डाल लीजिए, और घिया लौकी को कद्दूकस करके मिला लीजिए आटे के अंदर, और उसका पानी बाहर ना निकालें। इस तरीके से आप रोटी बनाएंगे तो लीवर वाला डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन अदरवाइज जो हम सिंपल आटा खाते हैं वो पचाने की ताकत नहीं बची अब लीवर के अंदर। तो अब सब्जी है, सब्जी आप जो घरों में हम लोग बना रहे हैं वो तो उसको भून के, तल के, छौंक लगा के, उसके अंदर घी डाल के, तेल डाल के, वो तो नमक मिर्च वाला हलवा है, उसका नाम सब्जी है। जैसे कोई कहते हैं तो साधु, कपड़े तो साधुओं वाले हैं लेकिन अंदर से साधु है नहीं, उसका नाम सब्जी है लेकिन वो सब्जी नहीं है, वो तो लीवर को और खराब कर देगी। जो NLS की सब्जी हम बनाते हैं उसको हम छौंक नहीं लगाते, उसके अंदर घी तेल नहीं डालते, लेकिन घी तेल डालते भी हैं। कौन सा घी तेल डालते हैं, ये वाला, जो कि ये इसके अंदर घी भी है, इसके अंदर आयल भी है, और ये डाइजेस्टिव फॉर्म में है, हमारा स्टमक इसको डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि लीवर वाले का तो पहले स्टमक काफी डिसऑर्डर हो चुका है, वीक हो चुका है। तो इसके साथ आपको घी वाला स्वाद भी आ जाएगा सब्जी में, आपको तेल वाला स्वाद भी आ जाएगा। तो इस तरीके से यदि हम सब्जियां बनाएं तो डेफिनेटली हम और अच्छे से सीख सकते हैं। और यदि आप NLS रोटी सब्जी को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोज देखिए, आपको और जानकारी मिल जाएगी, उसमें पूरी रेसिपी मिल जाएगी आपको। हमारी बुक्स स्टडी करिए, हमारी बुक्स जो है रोगों से बचाव, मेरी 25 साल की जर्नी है और जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है उस लाइफ के एक्सपीरियंस से ये बुक लिखी है, तो इस बुक के माध्यम से भी आप सहायता ले सकते हैं। बाकी नेट पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आजकल कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है, और हमने छुपाने के लिए आप लोगों की सेवा के लिए है हम तो। आप अक्सर डेयरी प्रोडक्ट्स को लेने को मना करते हो, तो ऐसा क्यों है? सबसे पहले जो आजकल की दुनिया के अंदर हमें दूध मिलता है वो दूध ही नहीं है। दूसरा, जो लीवर पेशेंट है उसका लीवर काफ़ी वीक हो चुका है, वो दूध को, डेयरी प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। भले वो तो अच्छा है लेकिन उस अच्छे का भी जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो किसी काम का नहीं है। तो अब देखिए, जो गाय का बछड़ा है या भैंस का जो कट्टा है, कट्टी है, बच्चा है, तो उसका वजन तो 300-400 किलो होता है और मानव का वजन 50-60 किलो होना चाहिए। जो दूध 300-400 किलो का प्राणी बनने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए वो 50-60 किलो वाला प्राणी पी रहा है, वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है ही है। और ख़ास करके ऐसे लोग जो लीवर की अलग अलग ग्रेड से, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं। आप नाम तो सुनिए, फैटी लीवर। फैटी लीवर का मतलब फैट ज़्यादा है लीवर के अंदर, फैट को कम करना है। यदि हम फैट को कम करेंगे तभी तो बात बनेगी, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, इसलिए हम मना करते हैं। अदरवाइज हमारी दूध से किसी किस्म की कोई नफरत नहीं है। भारत में तो ज्यादातर ये देखा गया कि चाय पी लेते हैं लोग, कोई रिश्तेदार आता है, कोई मेहमान आता है तो कह देते हैं चल एक कप चाय बना दे, तो उस वो क्या पीना सही है? देखिए, चाय तो एक नशा है, हम माने या ना माने, चाय ना मिले तो सिर में दर्द होने लग जाता है। और सबसे पहले सबसे जरूरी बात क्या है कि हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है। अगर हम कितनी ही भूख लगी हो, एक कप चाय पी लें, हम कॉफी पी लें, तो पीते ही भूख मर जाती है, खाना तो खाया नहीं तो भूख कैसे मर गई? तो भूख मर गई मतलब उसने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर दिया।
हमारी नेचुरल भूख ही जब मर गई तो बंदा डाइजेस्टिव सिस्टम तो डिसऑर्डर हो ही जाएगा। तो इसलिए हमें चाय नहीं पीनी चाहिए, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिसऑर्डर करती है और ये एक चाबुक का काम करती है। जैसे घोड़ा चलते चलते थक जाए, हम चाबुक मारते हैं, घोड़ा दौड़ लेता है, हमें लगता है घोड़े में तो ताकत आ रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि घोड़े के चाबुक मारेंगे, वो कितना ही मारते रहो वो वही लेट जाएगा, उठेगा ही नहीं। ठीक है सही, हम थोड़ा सा ऑफिस में बैठे बैठे थक जाते हैं, एक कप चाय, लोग दिन में 10-10 बारी चाय पीते रहते हैं, 10-10 बारी चाबुक मारते रहते हैं और हमारी नर्वस सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है डे बाई डे और इसलिए बहुत नुकसान होता है। और लीवर वालों को तो ये बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। मैं मानता हूँ मुश्किल है करना, लेकिन अब ठीक होना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, दवाई से तो ठीक हुआ नहीं इतने सालों में। सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि चाय अगर हम पी रहे हैं तो हमारा शरीर खोखला हो रहा है उसकी वजह से, दिमाग की तरह खा जाती है चाय हमारे शरीर को। आजादी से पहले पंजाबी कैसे ताकतवर थे और आज के पंजाबी कैसे हैं देख लीजिए आप। और चाय किसने दी हमें? अंग्रेजों ने दी। पहले हमारे पास चाय थी ही नहीं, तो हम तो भारतीय संस्कृति के मालिक हैं, भारत के युवा हैं, भारत के और भारत के अंदर जो पहले ताकत थी लोगों के पास वो इसीलिए थी कि वो चाय नहीं पीते थे। नारियल पानी को लीवर के लिए वरदान माना जाता है, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल ठीक है। नारियल पानी ईश्वर का, माँ प्रकृति का, मदर नेचर का हमें दिया हुआ एक ऐसा भोजन है कि जिसकी कंपैरिजन किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती। शायद माँ के दूध से भी सुप अच्छा, हल्का और सुपाच्य है नारियल पानी। नारियल पानी को हमारे ग्रंथों में श्री फल की संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है किसी भी फल या सब्जी के आगे श्री नहीं लगता, लेकिन इसको श्री फल की संज्ञा दी जाती है। ये इतना फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा है। कहा जाता है कि साल में जितने दिन हैं नारियल पानी में उतने गुण हैं। तो नारियल पानी सुपाच्य है, ईजी टू डाइजेस्ट है, फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स है। नारियल पानी की सबसे खास क्वालिटी क्या है कि नारियल पानी की सबसे खास क्वालिटी है MCT, यानी कि मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। तो जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये हमारी बॉडी में फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। जो MCT क्वालिटी है नारियल पानी की, ये वेट रिडक्शन में भी काफ़ी हेल्प करती है और जो लिवर के अंदर फैट है, फैट की एब्जॉर्प्शन में भी काफ़ी मदद करता है नारियल पानी का। MCT जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स क्वालिटी है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर, वेरी इंपॉर्टेंट कि नारियल पानी लिवर में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, यानी कि फैटी लिवर, व्हाट इज़ फैटी लिवर? फैटी लिवर का मतलब ये है कि आपके लिवर के ऊपर सूजन है, इसकी वजह से आपका लिवर फैटी लिवर है। अगर आप रोज नारियल पानी का इंटेक करते हैं तो वो आपकी इन्फ्लामेशन को, सूजन को कम करता है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नंबर टू, नारियल पानी में नेचुरल मिठास है, उसमें नेचुरल नमक है और नेचुरल ग्लूकोज है। अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हो, उसको ग्लूकोज चलता हो, ग्लूकोज उसको चढ़ रहा हो, तो उसको उसकी डाइट माना जाता है कि ये ग्लूकोज से इस व्यक्ति के अंदर डाइट जा रही है, अदरवाइज तो ये कुछ खा पी नहीं सकता, लेकिन ग्लूकोज चल रहा है ना, ठीक है, उसको जो चाहिए बॉडी को मिल रहा है। नारियल पानी एक ऐसा नेचुरल ड्रिंक है जिसमें नेचुरल मिठास है, नेचुरल नमक है और कोई केमिकल नहीं है। सोचिए ना, मदर नेचर ने कितने प्यार से पेड़ के ऊपर हमारे लिए कवर करके पानी दिया हुआ है जो कि फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। तो इसीलिए नारियल पानी हमारे लिवर के लिए वरदान है। हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमारा नेचुरल लाइफस्टाइल एक हेल्थ मिशन है, तो हमारा ये सोशल सर्विस है, हम लोगों की सेवा के लिए ही है। तो हमारे से संपर्क करने के लिए आप हमारे फ्री हेल्थ केयर नंबर पर कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। हमारा हेल्थ केयर नंबर है 9870291635। इस पे 24/7 फ्री कंसल्टेशन आपके लिए अवेलेबल है, आप कभी भी फ़ोन करिए और अपनी हेल्थ के लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा दिल्ली में हमारा सेंटर है पीतमपुरा सरस्वती विहार में, आप यहाँ पर डेली फ्री कंसल्टेशन के लिए भी आ सकते हैं। डेली हमारा मॉर्निंग 9:30 टू इवनिंग 4 PM, मतलब सुबह 9:30 से लेकर शाम 4 बजे तक आप किसी भी दिन किसी भी समय कंसल्टेशन के लिए भी आ सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री है, ये भी हमारी सेवा है। और जी, आपके दर्शकों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, दवाई खाने से पहले, सर्जरी करवाने से पहले एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें
हमारी टीम यहाँ पर फ्री कंसल्टेशन देने के लिए उपलब्ध है। आचार्य डॉक्टर मोहन गुप्ता जी और पूजा बंसल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।